थैंक यू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? ऑल गुड। वेलकम टू द शो। शो का नाम है, ये किसी ने सही नाम लिया ना, इट्स व्हाट द फन। व्हाट द फन, कोई भी इस शो का फायदा उठाते हुए गलत नाम नहीं लेगा। ओके, सो आज का जो मुम्मा है वो ये है कि बढ़ती हुई उम्र में बढ़ते हुए पेट को मजीद बढ़ने से रोकना एक बहुत बड़ा मसला है। सो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है सिवाय करप्शन और मोटापे के खत्म होने के। मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें होती हैं जो सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती, और उनमें से ही एक भाई साहब मोटापा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई मोटापे की। मैं इसकी लॉजिक दूंगा। देखिए, फ्राइज का जो छोटा पैक है वो आ रहा है 100 रुपए का, और जो बड़ा पैक है वो आ रहा है 120 रुपए का। तो लोग बचत के चक्कर में तो ज्यादा खाएंगे ना, और फिर जो 20 रुपए की बचत के चक्कर में ज्यादा खाते हैं वो हजारों रुपए जिम में लगाकर अपने आप को कम करने की कोशिश करते हैं। देयर इज नो लॉजिक। और जो लोग ये कहते हैं कि मोटे लोगों को शेप में आ जाना चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ओ हेलो, राउंड भी एक शेप होता है। और देखिए, ये मोटे लोग ही हैं जिनकी छत्र छाया में खड़े होने के बाद आपको एक घने और सायादार दरख्त का सा एहसास होता है, और ये मोटे लोग हैं जिनके पीछे छुपकर आप आराम से कपड़े बदल सकते हैं। अगर कभी ऐसे किसी पतले लड़के को बस में किराया बचाने के चक्कर में गोद में बिठा लिया जाए, थोड़ा सा गोद से साइड पर अगर बिठा लिया जाए, तो उसको एंड पर सफर के अख्ताम पे ये जरूर सुनने को मिलता है, भाई यार कुछ खाया पिया करो, तुम्हारी हड्डियां चुभती नहीं पूरे रास्ते यार। तो गोया आप समझ तो गए होंगे कि आज का जो शो है उसका मौजू है मोटापा और पतलापन। तो सबसे पहले हम दावत देंगे हमारी मोटी टीम को। मोटे लोग हाजिर हो। सर क्या बात कर रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? आपका इसमें ग्रामी है? राजदा खबर। राजदा जी कैसे मिजाज सर? मुजफ्फर इकबाल। मुजफ्फर भाई कैसे मिजाज है? वेलकम टू द शो सर। यस मैम, व्हाट्स योर नेम? हेरा। हेरा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नईम मुकाती। नईम भाई वेलकम टू द शो। ओके, सो अब हम जिस टीम को बुलाने जा रहे हैं वो आपको टक्कर देने के लिए नहीं, मतलब कोशिश कर रही है, ख्वाहिश रखती है, वो ख्वाहिश रखते हैं ऐसी, मैंने भी नहीं देखा अभी उनको। आइए मिलके उनका दीदार करते हैं। ओके, टीम पतली हाजिर हो। ओए होए 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 अंकल का देखा। मैं भी पतला था, I swear, मैं भी पतला था, पर तुहाडे ते बेड़े खरक होए ने। इसको स्मार्ट कहते हैं। ओके, आप लोगों को लगता है इनसे टक्कर लेंगे आप? टक्कर नहीं देंगे ना, फिट तो हो जाएं पहले एक जगह पे। एग्जैक्टली। हम खुले दिल के मालिक हैं। खुले दिल के मालिक हैं? खुले जो खुला है वो दिल है। खुला दिल, खुला पेट, खुला है। हमारा पिंजरा भी बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है। क्या कह रहे हैं? पेट भी, पेट भी। वो कह रहे हैं आपका पेट भी बड़ा है। आपका नाम क्या है? खंसा। 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 इसका मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता। पहले ही आते ही बुरा इंप्रेशन डाल दिया। तो मुझे क्यों पता होगा मेरा? क्यों नहीं पता होगा आपको? मेरे पेरेंट्स ने रखा है। तो आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। वो वैसे ही बहुत कूल है, मतलब की जरूरत ही नहीं है। मतलब ही नहीं जानना आपको। इसका नुकसान उठाओगी तुम बहुत अभी इस शो में थोड़ी देर में। आपका नाम क्या बेटा? सलमान। सलमान ये कैसे मिजाज है? वेलकम टू द शो। थैंक यू। ऑल गुड। चेक जी, आपका नाम? समरा। समरा आपके सामने है वो? हां जी, बस ठीक है। क्या? नंबरा। समरा। समरा कमरा नहीं।
एहतिशाम राज़िक. सॉरी, एमसीपी एहतिशाम राज़िक. इसका क्या मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल. घर का पता बताओ. ओह, एमसीपी. ओह वो हैवी. और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं. पहला सेगमेंट है टॉप रिस्पॉन्स. मैं शुरू करना चाहूंगा मोटी टीम से. यार इनका कोई नाम बदल लेते हैं मोटी टीम से. साउंड अच्छा नहीं कर रहा. खूबसूरत टीम से. हां खूबसूरत टीम कर रहे हैं. हल्की टीम. क्यूट क्यूट टीम. हां फ्रेश कूल टेडी टेडी बेयर टीम. हमारी बेबी में टेडी बेयर फ्लावर बॉडी. टेडी बेयर टीम इज फन. टेडी बेयर इज क्यूट. हमारी बेगम भी हमें कहती है क्यूट लग रहे हो. बड़े क्यूट लग रहे हो है ना. और बड़े हैंडसम लग रहे हो. हैंडसम लग रहे हैं. हैंडसम 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 आप बहुत क्यूट हैं सर. आप एक्चुअली क्यूट हैं. सो द क्यूट टीम. क्यूट टीम से हम पहला सवाल करने जा रहे हैं. आपका पहला सवाल रहा ये, मोटे लोगों की बीवियां उनसे किस बात के लिए खुश रहती हैं? जिससे सवाल किया जाएगा वो जवाब देगा. यस मैम. उनको कम खाना बनाना पड़ता है. जंक फूड ज्यादा खाते हैं इसलिए बीवियां. घर पे खाना नहीं बनाना पड़ता और बाहर से खाना ज्यादा ऑर्डर होता है उस घर में जहां पर मोटे लोग पाए जाते हैं. सो मोटे लोगों की बीवियां इसलिए खुश रहती हैं क्योंकि उनको किचन में कम वक्त गुजारना पड़ता है. ऊपर बैठ गए ना तो सांस नहीं आएगा तुम लोगों को. यस क्यूटी पाई बताइए. मोटे लोगों के लिए भी मोटे लोगों की जो बीवियां होती हैं भाभी माँ जो है हमारी वो क्यों खुश हैं आपसे? बहुत खुश होती हैं. काहे? वो इसलिए भाई ये आप दूसरे बंदों से मुख्तलिफ लगते हो, खूबसूरत लगते हो और मुझे तो बहुत अच्छा. बीवी को कोई खाबर भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मोटा हो, उनको अच्छे लगते हैं. माँ को और बीवी को दो और Are you sure? दो और ये तो भाभी से पूछना पड़ेगा. हाँ ओके चलिए. उनको लगता है कि वो उनको क्यूट बहुत लगते हैं. ओके शक्ल से मासूम और क्यूट लगते हैं. ओके चलिए आपको क्या लगता है मैम कि मोटे लोगों की बीवियां उनसे क्यों खुश रहती हैं? क्योंकि वो तारीफ करते हैं अपने वाइफ की. अपनी वाइफ की ज्यादा तारीफें करते हैं वो. हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाना कुछ ना कुछ वक्फे वक्फे से देती रहती है. उनका पेट भरता रहेगा वो खुश रहेंगे हैप्पी. बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है. वो बेगमात की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वो उनको खाने को बहुत कुछ देती है. उनको वो सब खा लेते हैं जो वो सब खा लेते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक के मोटे लोगों की बीवियां काहे खुश रहती हैं? वो कॉन्शियस नहीं होती इसलिए कि इन्हें कोई लड़कियां फंसाएंगे नहीं. क्योंकि क्योंकि वो उनको पोसेसिव होने का मौका नहीं मिलता. उनको पता है कि हमारे बंदे को कौन लेके जाएगा. ये तो हमारा ही है. ओके करेक्ट. वेल प्लेड सो वेल प्लेड गाइस वेल प्लेड. ओके सो द क्यूट टीम से अगला सवाल है कि मोटे लोगों की बीवियां उनसे काहे खुश रहती हैं? मालदार होते हैं बहुत. क्यों मोटे लोग कुछ कुछ गोल्ड डिगर्स वाली वाइब क्यों आ रही है मुझे? नहीं नहीं मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन है ना मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन है तो आई थिंक इसको काट दीजिएगा लेकिन बड़ी शुगर डैडी वाली फील दे रही है मुझे. ओके क्योंकि मोटे लोग जरा शुगर डैडी टाइप के होते हैं. देखो आप माने फिर हार गए. इट्स जस्ट यू हु इज थिंकिंग. यस सर आपको क्या लगता है? यानी कि खुश रहती है हमारे से. काहे? इसलिए खुश रहती है. भाई ने भी बड़ी अच्छी बात करी है. उनको ये डर होता है ये कहीं नहीं जाएगा. हाँ. लौट के घर ही आएगा. तो ये तो भाई ने कर दी. हाँ, ये तो जवाब मिल गया. जी जी वही तो कह रहा हूँ. हमसे इसलिए खुश होती है. उनको ये पता है ये ना तो कुछ चल फिर सकता है ना कुछ कर सकता है. ये भाग के जाएगा तो कहाँ भाग के जाएगा? तो कहाँ जाएगा? घर पे पड़ा रहता है, बाहर नहीं जाता. वॉक हमारे साथ नहीं करता. तो और आप उनको कुछ भी करने से खाने पीने से उनको भी नहीं रोकते. दोनों मिलके खाते रहते हैं आए दिन जो है ना. टोट के मारती रहती है. टोट के मारती. इट्स ऑल अबाउट फूड. टोट के मारती. ऑल अबाउट फूड. लेट्स सी. जी मैम आपको क्या लगता है? अगर मोटी वाइफ है और हस्बैंड भी मोटे हैं तो दोनों का कपल अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है. करने में मजा आता है. तो हक कर लो. हम कर ले कर रहे हैं. क्या क्या? नो 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 आई वांट टू हियर दैट. आई वांट टू हियर दैट. आपने क्या कहा? कुछ ओके ओके ये मुझे अलग से क्लिप दे देना. तो जवाब तो नहीं मिला मुझे. आप हमारे हाथ में आ जाएंगे. इनके हाथ में नहीं आएंगे. हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों फैटी हैं, हेल्दी हैं
तो कपल अच्छे हैं, तो दोनों हैप्पी हैं, खुश हैं। दोनों हैप्पी हैं, अगर दोनों हेल्दी हैं और दोनों गोल मटोल हैं तो दोनों खुश हैं। सर आपके पास आखिरी मौका है और आप इस 40 स्कोर को 50 तक ले जा सकते हैं। दो जवाब अभी बाकी थे लेकिन क्योंकि आखिरी बार मौका आपके पास आया है, तो मोटे लोगों की बीवियां क्यों खुश रहती हैं? अगर वो खुद शादी के बाद मोटी हो रही हैं तो उनको तनकीद का निशाना नहीं बनना पड़ता। आप बहुत समझदार हैं वैसे। वेरी नाइस, आई लाइक इट। ओके, सो अगर वो भी मोटी हो रही हैं तो मोटे मियां तो उन पे तनकीद करने वाले नहीं है, तो लेट्स सी। दैट वाज अ गुड आंसर बाय द वे। अच्छा अच्छा जवाब था, अच्छा जवाब था भाई। ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहता है? फैट हस्बैंड्स अपनी वाइफ को इजीली कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यस एग्जैक्टली। ओके, भारी सामान को आराम से उठा लेते हैं, सही है। ओके, लेट्स सी का छठा जवाब क्या है? खानदान वाले उनको कोई काम करने को नहीं कहते। नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? कहते कहते यार, के यार किसी और को भेज, है ना? हाँ, ये कर्टेसी में किसी फुर्तीले को भेजो, जल्दी जाएगा यार, मैं तो करके आ जाएगा। ये जो तीन देर में उठेगा, चप्पल पहनेगा। ओके, सो टॉप रिस्पांस के पहले सेगमेंट में आप लोग 40 स्कोर जोड़ चुके, नॉट बैड, नॉट बैड। तो गोया आप लोगों को 50 कम से कम लेने होंगे ताकि आप इनको मात दे सकें। ओके, सो आपकी टीम का क्या नाम रखें? उनका तो क्यूटी पाया, स्मार्ट, फिट एंड स्मार्ट टीम के लिए का पहला सवाल है वो क्या है जो पतले लोग ज्यादा देर तक नहीं कर सकते? यस मैम, वेटलिफ्टिंग। ओके, वेटलिफ्टिंग। जिम में कसरत नहीं कर सकते बहुत ज्यादा देर तक। चलिए सर, आपको क्या लगता है कि वो क्या है जो पतले लोग ज्यादा देर तक नहीं कर सकते? बाइक पे किसी मोटे को लिफ्ट नहीं देंगे। अब पीछे से उठ जाएगी। ओके, बाइक पे किसी मोटे शख्स को लिफ्ट नहीं दे सकते। ओह दैट्स सो नाइस। हमारी वजह से जीते, हमारी वजह से जीते, हमारे मोटे वजह से जीते, इसका क्रेडिट भी बोलेंगे। यस मैम, आपको क्या लगता है? ज्यादा देर हवा में रुक नहीं सकते पतले लोग। खुद ही तस्लीम कर रही हैं जी। हाँ, ज्यादा देर हवा के मध्य मुकाबिल नहीं रह पाते पतले लोग। ये भी मैंने बताया था। मेरे ख्याल से खाना ज्यादा देर तक नहीं खा सकते वो। खाना थक जाते हैं। हाँ, खाना नहीं खा सकते ज्यादा देर तक, इसीलिए कमजोर है। You know me well. आवाजें कसने से ज्यादा इस पे गौर करेंगे, तीन जवाब हो गए हैं सही उनके और बहुत करीब है वो। Yes ma'am, what do you think? पतले लोग क्या नहीं कर सकते ज्यादा देर तक? I guess वो सामान ही कैरी नहीं कर सकते ज्यादा देर तक, सामान ही नहीं उठा सकते कोई भी उनको। वो थक जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम ही गिर जाते हैं सामान उठाते हुए, सामान के साथ खुद भी गिर जाते हैं। सो लेट्स सी, वो ज्यादा देर तक सामान। आपको क्या लगता है? इक्वल तो हो गया, अब एक शॉट मारे और ग्राउंड से बाहर करते हैं। ओह माय गॉड, अब नहीं आएगा। कौन? वो खाना पीना अच्छा खाते हैं लेकिन उनपे लग नहीं रहा होता है। अच्छा, नहीं लग रहा होता। नहीं, सवाल है वो क्या है जो वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाते? यू नीड टू रीथिंक। सामान, ऐसा क्या है जो वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाते? ये तो गलत। 10, 9, जल्दी बताओ। 8, 7, 6, 5, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। ओके ओके, क्या है? ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, थक जाते हैं स्टैमिना। ये तो बिल्कुल ही क्या गुजरा है ना, मतलब उसने पतले लोगों को बिल्कुल ही, वो मोटे बंदे एनर्जी लेवल लो। हाँ, उसने खड़े हुए सुबह से, उसने जीरो कर दिया। मोटे बंदे को खाने होते हैं, अगर अगर ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते बेटा, आदतें बदलो अपनी। यस मैम, एक्सरसाइज उन्होंने कहा था, बोला वेटलिफ्टिंग। एमसी तू बिल्कुल एमसी कर देगा अभी, शुरू करें ना भाई। 10, हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
मेरे ख्याल से वो ज्यादातर बातें नहीं बर्दाश्त कर पाते लोगों को ज्यादातर बातें सुनाओ ना वो कर लेते हैं पतले लोगों को उनके बोलो वर्ड शुरू हो जाते हैं अब मोटे लोग की जब लड़ाई होती है ना भाग नहीं सकते आर यू इवन लिसनिंग पॉइंट है वैसे ओके पतले लोग बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते ज्यादा देर तक उनसे बातें करो हमारी 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 बातें नहीं है हमने इनको बहुत सारी मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं भी पतला था कि मैं कोई बातें कर रहा हूं और मैं बेहोश हो गया हूं ऐसा कैसे होता है असल है ना इसके कह रही है इसके साथ हुआ होगा तो इसलिए प्रैक्टिकली हुआ है ना तो इसलिए एमसी तू कुछ खा पी कुछ खा पी बेटा ओके सो मुकाबला वो टाइप हो गया नौजवानों ऑडियंस में से यस सर वो मोटे लोगों के साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते नहीं लड़ सकते ना हाँ यस 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 वो लड़ तो लड़ नहीं सकते यस सर व्हाट डू यू थिंक वेरी कॉमन माइक तो तू पकड़े हुए ऐसे वो ज्यादा देर तक मोटे लोग उठा नहीं सकते मोटे लोगों के उठा नहीं सकते नहीं उठा उठाने का बोलेगा कौन अरे कोई पागल है जो हमें उठाएगा हमें तो हाँ ये अच्छा है वो हमारी मैयत तो नहीं आया आपकी आप अल्लाह ना करे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे बट आपको उठा नहीं सकते एक हाँ ये इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है और ठंड में ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते और गर्मी में गर्मी को बर्दाश्त मौसम की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते पतले लोग यार बड़ी बात है ओके सो टॉप रिस्पांस में आप लोगों ने कोई ऐसा मुकाबला नहीं कर पाया कि जिसमें किसी की जीत या हार हो टाई हो चुका है सो फाइनल रिजल्ट देखते हैं टॉप रिस्पांस का फाइनल स्कोर क्या रहा लेट्स सी बराबर ओके नॉट बैड नॉट बैड सो लेडीज एंड जेंटलमैन देखते रहिए व्हाट द फन एक छोटे शॉर्ट शॉर्ट में क्या होने वाला है आई होप कि ये बात आप लोगों को समझा दी गई होगी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ओके शॉर्ट शॉर्ट में हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और उसमें आपको बूझना होगा इशारा करके नहीं आपके हाथ में ये बॉल्स होंगी ठीक है ताकि आप इशारे मत कर पाए उस चीज के इर्द गिर्द जैसे अगर ये कप है तो आप ये नहीं कह सकते कि कप है ओके यू नो आप ये कह सकते हैं कि इसमें चाय पीते हैं या यू नो उसके इर्द गिर्द के आप बातें करके आपकी टीम में से कोई भी एक बंदा आएगा और वो बूझेगा आप में से कौन आना चाहेगा सबने एमसी यू आर द मैन माय कम ऑन एमसी के लिए तालियां तो बजाओ यार कम ऑन बॉय एमसी आप पलट के स्क्रीन को नहीं देख सकते यही तो मैं समझा रहा हूं एमसी हम आप लोगों से सवाल करने वाले हैं बॉल्स हाथ में पकड़े यस ताकि आप लोग इशारे ना कर पाए इसको नीचे रख के आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं ठीक है सो ओके सो आपके लिए पहली तस्वीर मैं आप लोगों की टीम का नाम भूल गया क्या नाम रखा था हमने फिट फिट द टीम फिट आप लोगों के लिए पहली तस्वीर रही ये कनखियों से भी नहीं देखोगे तुम टाइम स्टार्ट नाउ अपना वजन नापते हैं उस पे वेट लिफ्टिंग मशीन वेट मशीन हाँ बिल्कुल ठीक यस 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 ओके गुड 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 नेक्स्ट अरे आप नहीं देखोगे तुम बोल ओके नेक्स्ट पिक्चर रही ये वो जो मैंने बोला मिट्टी में होता है यार कीड़ा है बता रहे हो हाथ से बता रहे हो हाथ से नहीं मिट्टी में कीड़ा है मिट्टी में कीड़ा एक सेकंड कीड़ा ये मिट्टी में कीड़े होते हैं मिट्टी वाले कीड़े की बात हो रही है अर्थवर्म टाइमर खत्म हुए मतलब मैं छोटा सा था जब टाइम खत्म हुआ था अच्छा नहीं तो बीच में वो अभी भी छोटा सा ही है आगे दुनिया में सो अगली तस्वीर रही आपके लिए वो जो मर जाते हैं मर जाओ तो क्या बचती है हड्डियां हड्डियां यस यस भाई वाह 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 क्या बात है कमाल करते हो लौंडे जी आप बताइए नेक्स्ट पिक्चर है मीठी होती है खाने की चीज है गोल गोल मिठाई गोल गोल गुलाब जामुन नहीं कुछ और ऑरेंज कलर की किस कलर की ऑरेंज ऑरेंज इजी 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 आप तो डरा रहे यार ऐसे ही है अब क्या करें वो कह रहे हैं म्यूजिक ना बजाओ मुझे डर लग रहा है अच्छा नहीं नहीं घर में जाके बजाओ ओके सो नेक्स्ट पिक्चर रही ये
छोटे से पैकेट में आते हैं, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, बिस्किट है। क्रीम होती है, बहुत क्रंची होता है, एरी होता है। बिस्किट नहीं देखिए, ये होता क्या, ये तो अब आखिर में बता दे क्या चीज़ है। बताएंगे बताएंगे, बताओ बच्चों क्या है ये। नेक्स्ट पिक्चर रही आपके लिए। वो हर कोई ना बोतल के साथ जरूर खाता है उसको, चिप्स। आपकी आएगी बोतल, पीते थे, आएगी आएगी बारी आएगी। कितने बहुत है अभी, बहुत है अभी, खड़े रहो, जिंदगी में अब बहुत कर रहे हैं तुम्हें कुछ। यस, अगली तस्वीर रही है। अपनी बेस्ट नाप बा 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 माइनस 10। नहीं अब हुए माइनस 10, अब हुए माइनस 10, जल्दी। नहीं बहुत देर कर दी आपने, ये क्या है, ये मोटे बंदों का, ये होल्डिंग द बॉल एंड मोटे बंदों के नापने के लिए। ये जमीन ऐसे रख दो इसको। नहीं बिल्कुल नहीं रखते इसको, माइनस 10 हो गया आप लोगों की टीम के। यस सर, आपके लिए अगली पिक्चर आई है। केक बनाते हैं जिसके अंदर बेक करते हैं, जिसके अंदर बेक करते हैं। माइक्रोवेव ओवन? नहीं, जिस ओवन के अंदर, जिसके अंदर बैटर डालते हैं। यार ये कैसी बात है, एक सेकंड, मुझे मुझे एक्चुअली ऐनक उतार के देखना पड़ा कि मैंने गलत पढ़ा है या आपने गलत किया है कुछ। पेन है ना? नो 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 नो। चलो चलिए, अगली पिक्चर रही आपके लिए मैडम। साला मुर्गियां देती है क्या? अंडे। बच्चे बच्चे मुर्गियां बच्चे देती है। ट्रे है वही जिसमें रखती है। अच्छा अंडे हैं, है तो अंडे। ऊपर देखो, आपका जवाब गलत है। अंडे बच्चे जवाब गलत है। आपने ये कहना था कि मुर्गियां देती हैं और उसको फिर किसी चीज में रखते हैं। तो ये मुझे बुझवाई गलत है, तो मैं कैसे आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती तो है ही नहीं। आप हम दोनों की लड़ाई करवा देंगे इस चक्कर में। ओके, एक और पिक्चर देते हैं। और है मीठी चीजें खाने की चीज, कोई बात, पान की दुकान पे भी मिलती है मीठा पान। टॉफी? हाँ टॉफी। जाओगे नहीं? जाओ, आखिरी राउंड दे रहे हैं आप लोगों को। यस सर, अगली पिक्चर है आपके लिए। विंडो के ऊपर लगाते हैं। पर्दा तो नहीं है? हाँ हाँ, इंग्लिश में बोल दो। कर्टन? नहीं, नहीं। दूसरा वाला जो होता है। दूसरा वाला क्या होता है? खिड़की होती है, खिड़की, खिड़की, खिड़की। तेरा दूसरा वाला क्या होता है? खिड़की होती है, खिड़की होती है। दूसरा वाला क्या होता है वे? पलट के देख लो, ब्लाइंड ब्लाइंड। ये तो मुझे होश आवाज में नहीं था मेरे। ओह माय गॉड, इट्स ओके, इट्स ओके। यस मैम, आपके लिए आखिरी पिक्चर। आखिरी वो जो घड़ी चलती है उसमें पीछे क्या डालते हैं? सेल या बैटरी? गुड आंसर, आई थिंक यू गाइस आर डन। सो वी हैव प्लेड सम, प्लीज, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। ओके, सो आर यू रेडी सर? गेस करने के लिए आपको सारे लवाजमात तो पता है, बच्चों ने खेल के दिखा दिया आपको कि क्या करना है। जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देगा, कोई और बोलेगा तो माइनस 10 हो जाएंगे। इशारा नहीं करना, बॉल्स हाथ में रखेंगे तो आप इशारे नहीं करेंगे, ठीक है मैम? ओके, आपके लिए पहली तस्वीर रही ये। मीठा होता है और राउंड में होता है, गुलाब जामुन। बेकरी पे होता है, बेकरी पे केक पेस्ट्रीज। राउंड में होता है, ब्राउनीज। राउंड, अच्छे से गैसेस दीजिए। आपके लिए अगली पिक्चर रही ये। लोग बीमार होते हैं, चेक करते हैं, ओके, ब्लड प्रेशर? नो नो नो, कुछ और चेक। शुगर? ओह वेरी गुड, शुगर। टाइमिंग के अंदर अंदर करना है, कुछ जख्मी कर देंगे आप अपना प्लेयर। अभी क्या टाइम आउट हो गया? देख लो क्या। नहीं नहीं, हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया। यस मैम, आपके लिए अगली पिक्चर रही ये। बोले सकते में क्यों चली गई आप? अरे कुछ तो बोले, घर के बनाने के लिए साथ, चारों दीवार चारों के साथ होता है। बोले जो मिस्त्री मजदूर काम करते हैं वो क्या करते हैं? एक है के लिए यूज होती है ना, मिस्त्री मजदूर। क्या किया आपने? मजदूर मिस्त्री के काम करते हैं वो क्या करते हैं? मजदूर मस्जिद, आपको क्या हुआ क्या था? बस चलो खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे देख देख के नर्वस हो रही है। आप लोग बुरा खेल रहे हैं माशाल्लाह, काफी अलर्ट हो जाएं। Come on, अगली पिक्चर है मैडम आपके लिए ये। एक्ट्रेस है और कौन से ड्रामे में आई है ये? मायरा खान। जिन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी भी किया। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर।
ये बहुत इनके लिए अप्रिशिएट करने की बात भी है कि रूसा साहिबा जो है मेरे साथ नैपा में भी थी और ये ड्रामेटिक सोसाइटी में हुआ करती थी और ये उस वक्त थोड़ी चबी होती थी लेकिन उन्होंने अपना एक पूरा वेट लॉस जर्नी किया इनके लिए इसलिए भी बहुत ही तालियां। चले अगली तस्वीर रही ये सब्जी है, सब्जी है वो काली बहुत होती है सब्जी है सब्जी बैंगन एक एक कंप्लेन है वो है जब वो सारे चुप करें हाँ यस जब वो बोल रहे होते तो आवाज नहीं आती हाँ सब चुप करेंगे भाई खामोश यस मैम अगली तस्वीर है आपके लिए ये वेट कम करते हैं एक्सरसाइज करने क्या चीज है ट्रेडमिल ट्रेडमिल परफेक्ट परफेक्ट अगला सवाल है ये पानी के होते हैं और गोल गोल होते हैं हवा में बुलबुले बुलबुले अमेजिंग अमेजिंग गुड कम बैक गाइस गुड कम बैक ओके सर आपके लिए अगली पिक्चर रही है कभी क्रिकेट खेलते हैं रिटायर हो चुके हैं पर्सन है कैप्टन भी है ज़हीर अब्बास रमीज राजा अच्छा जब मैंने ये कहा कि आवाज नहीं आएगी तो इसका मतलब है आपकी भी नहीं आएगी जी जी नहीं नहीं ये भी बोल गलती से निकल जाती है एक्साइटमेंट में एक्साइटमेंट माइनस 10 हो जाएंगे ऐसे ठीक है वॉच आउट यस मैम अगली तस्वीर है आपके लिए सॉन्ग सुनते हैं सर्कल में हेडफोन सीडी सीडी बता दिया वेट 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 उन्होंने भी लाया वेट 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 माइनस 10 हो गया क्योंकि उन्होंने जब इंची टेप ऐसे बताया था रोशन नहीं है इसलिए बार बार कह रहा हूँ मोहतात रहिए बहुत हाजिर दिमागी से खेलिए यस मैम अगली पिक्चर है आपके लिए मीठे होते हैं बेकरी पे होते हैं और स्क्वायर शेप में होते हैं केक बिस्किट स्क्वायर शेप में होते हैं ब्राउनीज उसमें स्क्वायर्स होते हैं बहुत सारे और उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के खाते हैं लाल के बहुत मजे के होते हैं कोई बात नहीं आ तो गया कहां से आ गया कहां से आ गया चलो वो देर आए पिछला देर आए आपकी बहुत देर से आए आपकी मर्जी एक सेकंड हुआ था है ना सही बात है वो मैंने बताया उनको यस सर अगली पिक्चर रही आपके लिए ये ये जिसमें नल होता है पानी होता है उसके साथ कुछ लगा के टंकी पाइप 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 गुड वन गुड वन गुड वन यस मैम आखिरी पिक्चर है सो बहुत एहतियात से आपके ऊपर पूरी टीम का बोझ है इस वक्त इनका भी इन समेत यस मैम आपको बताना है ये पिक्चर क्या है कॉमेडी करते हैं ड्रामो में आते हैं इनका बड़ा मशहूर ड्रामा बड़ा मशहूर ड्रामा है इनका उमा शरीफ मोइन अख्तर आप ड्रामे का नाम ले सकती हैं भाई मैं इतना टीवी नहीं देखते नादानिया यासिर नवाज नहीं दानिश नवाज आप निदा यासिर का नाम ले सकती थी आप दानिश यासिर भाई का नाम ले सकती थी उनके भाई हैं यार उनकी नादानियां कह सकती नहीं आप बट इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके वी आर डन विद द पिक्चर्स ओके वेल प्लेड सर प्लीज ओ यार हम भी खेलते हैं हम भी खेल रहे हैं हम भी देखते हैं कि हम इतने टीवी आप इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि आप लोग करीब करीब है कि ओके 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 मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आइए 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 मिलकर देखते हैं कि स्कोर क्या है वो तो मैं बताइए स्कोर मोटे का गलत क्यों है मोटे बेटा हाँ बेईमानी हुई होगी बेईमानी हुई ज्यादा आंसर की अब तुम लोग रोगे नहीं 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 नेक्स्ट राउंड में नहीं नहीं हमारा सही है बिल्कुल ठीक है ठीक है नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं हां हां एग्जैक्टली नेक्स्ट राउंड में आगे और भी गेम है हमने हमने आपको बोला था खाई के पार बनारस वाला मोटे मोटे वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का और जब हम लौट कर आएंगे तो हम
मुझे खून तो पीला मेरा दिल ये पुकारे आना। वेलकम टू द शो मिस्टर डी, बड़ी अनएक्सपेक्टेड एंट्री मारी आपने। बस मैंने बोला सब मशहूर हो रहे इस गाने से, थोड़ा मैं भी हो जाऊं। मिस्टर डी 3 लाख का जोड़ा बेच रही है वो है? 3 लाख का जोड़ा बेच रही है अपना वो जोड़े में वो खुद भी है। मतलब शादी का जोड़ा है ना, तो शादी होके जा रही है। अरे नहीं भाई, भाई जोड़ा तो शादी का था, वो शादी में डांस किया उन्होंने। हाँ तो? तो 3 लाख का जोड़ा। हाँ उनको लगता है कि वो 3 लाख का होगा। मतलब जितने बेचारे सदियों से टैलेंटेड आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट डूब के मर जाएंगे। दिस इज वेरी सैड है ना। एग्जैक्ट, उनका खून तो वैसे जल जल के खत्म हो रहा। भाई मुझे दे दो ये, इधर से ले लें आप। नहीं नहीं, इनके खून के नीचे मैं दबके मर जाऊंगा। आपको पता मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं इस टीम की तरफ आपका मुंह होने नहीं देना चाहता। अच्छा। बच्चों के पास खून नहीं है। जी जी। वो पैर नुचा हुआ है। मैं चाहता हूँ वो महफूज रहे आपके शर से। नहीं नहीं, मेरे शर से उनके मैं खून पीऊंगा भी नहीं, उनमें निकलेगा कितना छटान भरा खून। देखिए मैं बदनाम भी जाऊंगा, इस खींचूंगा, खाली है, हवा जाएगी, हवा उधर मिलेगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं हम महंगाई में पिसके रह गए। ये महंगाई वाली चक्की में पूरे नहीं आ रहे ना। यकीन करें, इनके इनके घर पे ना, भाई के घर पे चोर आ गया था। रियली? हाँ चोर आया, इनकी आंख खुल गई और चोर के ऊपर बैठ गए। अपने बेटे को बोला जा बेटा जल्दी से पुलिस को बुला के ला। बेटे को बोला जा बेटा जल्दी से पुलिस बुला के ला। वो बच्चा बेचारा ढूंढने लगा, जल्दी जा। बोला अब चप्पल नहीं मिल रही। इधर चोर क्या बोलता है, बेटा मेरी पहन जाने की जल्दी। पहले अभी तो ये माशाल्लाह कॉन्फिडेंस में आ गए, इन्होंने अपने आप को मतलब कर लिया। वरना पहले बड़े मायूस थे। क्यों? इन्होंने 2 दफा खुदकुशी की। अच्छा, छठी मंजिल से कूदे टिप्पा खा के वापस। That was hilarious. That was a very good one. आज यकीन करें मेरे जैसे हमारे पे छोड़ दिया यार, और भी छोड़ो यार। आप यकीन करें मेरे ऐसे बच्चे ना आराम से लाइट गई ना, इनके पीछे छुपन छुपाई खेल सकते। आप कैसे छुप सकते हैं? ये बात भी है। छुप जाओ। मैंने आप यकीन करें 3-4 बच्चे तो इनकी करवट से मर जाएंगे। आप हम चलाते ही आपको देख के हमारे पसीने छूट गए है ना। मिस्टर ई मजा आ गया, क्या बात है। अच्छा अब उनका उनका गिला दूर कर दें। वो कह रहे हैं कि हम पे छोड़ दिया, इधर कोई नहीं बात कर रहे हैं। बेचारे बच्चों की क्या बात करें, लो आप बेचारे हैं वैसे यार। वो बेचारे बाइक में बैठते हैं तो कोई चीज पकड़ना पड़ती है। हवा आंधी आए तो बेचारे बेचारे बड़े टायर में हवा, टायर में हवा भी ना हो तो फिर भी चलती रहती है ना। इतने कमजोर है, बातें बर्दाश्त नहीं करते, बातें करो। यस पॉइंट्स बेहोश। ये आजकल की जनरेशन है, ये फास्ट फूड पे पलने वाली है। आप लोगों ने हर देसी माल, देसी की ये बात। अब बेचारों का कसूर भी नहीं, देसी मिल ही नहीं रहा, असली माल खाया। असली यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं मिल रहे। असली है, कोई चीज असली नहीं है, बस हम तो असली रह गए। ओह माय गॉड, बाकी जो वायरल हो रहे हैं वो नकली है, वो कहाँ छोटे रह गए। वैसे जब आपने इतने गाने गाए, किसी ने आपके गाने में डांस किया नहीं तो शर्म से मर जाए, माधुरी कर रही है। हेलो 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 हेलो, मैंने किया डांस, मेरे गाने गाते थे ना, मैं टीवी पे आगे खड़ा होके ना, ये भी करेंगे डांस करेंगे भी करते तो लगता ही नहीं डांस करते, क्योंकि आप जितना हिलना है वही खड़े रहेंगे। अरे आप शो करते निकलोगे ऐसी घटना, फोटो लगा दो, ये तो शौक भी है करेंगे। अरे मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला। मैं नहीं मानता। क्या आप गाना गाए ये डांस करके दिखाएं, मैं फिर मान लूंगा। लो लो दुबले से ज्यादा अच्छे लगेंगे वो सारे हैं। आप नहीं,
टेंशन नहीं ले, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ अपने हिसाब से, मैं भी बड़ा मोटा हूँ। आपका हीरो आपकी मेहरबानी है, आप मेरी जिया पराठा, जिया पराठा है ये, और आप कौन है? आपका मित्र पराठा, आपको सूट देने के लिए मित्र। अच्छा, इनको सूट देने के लिए ना पराठा को पर्दा देना पड़ेगा। नहीं सर, आप मिथुन दा वाला को एक वो वाला स्टेप करके दिखा दो। अरे गाना तो शुरू करे, सब बताएं। डिस्को, डिस्को दीवाने, डिस्को सर। आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी में आ गाना दुनिया से उठ जाएंगे सर। मैं बताऊं, इसी इसी प्यार भरे मोमेंट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट कर आते हैं। Ladies and gentlemen, welcome back. Okay. So, मुझे ऐसा लगता है कि है ना? नहीं साफ ही है। साफ कुल्ली। यहाँ तो भूखे भूखे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैं exactly वही सोच रहा था कि ये क्यों ये आज गेम सोची गई? आप ऐसा करें, आप भूखों से मिटाएं, बुझाएं, आप टमाटो से बुझाएं। इनका भूखे नहीं है। वैसे, I don't know ये मुकाबला कैसा जाने वाला है। अच्छा। लेकिन देखें, देखिए रेसलर आते हो सकता है कि उनके अंदर इतनी भूख हो, दमखम हो। हमने बचपन में मिसाल सुनी थी, मोटा देख के डरियो मत, पतला देख के डरियो मत। एग्जैक्टली, तो एंड मुमकिन है कि वो कहावत सच्ची हो जाए। तो आपकी टीम में से पहले मैडम आ पाएंगी और यहाँ से आ पाएंगी, और जो पहली भूख में जितनी दूर तक बुझा पाएगा हम सब ट्राई करेंगे। सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है किसी एक को करना है। वैसे एक पास हो जाएगी, इनकी दो मोमबत्तियां और इनकी एक। यार जो भी आ रहा है हमारे भी यार। चलिए मैडम, आप तशरीफ लाइए। एक फूंक में आप जहां तक और जितनी मोमबत्तियां बुझा पाएंगी वो ही काउंट की जाएंगी। आपका वक्त शुरू होता है अब। ये है ईमानदारी से बुझाई गई मोमबत्तियां। पहले मारी उन्होंने दो फूंके, पहली बार में आपने बुझाई है 13 मोमबत्तियां, तो आपको कम से कम 14 बुझानी पड़ेगी। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है आप? आए आए, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, कम ऑन। थ्री टू, पीछे, ये अपनी भूख से पीछे ना गिर जाए। आगे भूख मार रहा है, पीछे दीवार में लगे। भाई आगे बजे। ऑलराइट, थ्री टू, भर लो सांस, भर लो, थ्री टू, कर लो फेफड़ा, वन, कम ऑन। वापस चल गई, आंखों पे यकीन नहीं आया मुझे। अभी तो मेरी भूख बाकी है। और अब क्यूटी पाई तशरीफ लाते हैं। क्यूटी पाई के लिए बहुत सी तालियां। मोहसिन भाई, फोन भाई अपने अपने घर जाने जाने जाओ। ये सामने वाला कैमरा हटा दो, कैमरा हटा दो, कैमरे में लगेगी। ये उड़ गया। मोमबत्तियां बुझी है, पीछे देखा, पीछे स्क्रीन भी हिली है। हवा निकली मेरी। ओके, लेट्स काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 11, 12, 13, 14,
लड़के ओके 16 का रिकॉर्ड बना चुके हैं इस वक्त, और क्या आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? लेट्स सी, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई. हां, लेट्स ओवर द बेस्ट, कम ऑन. ओके, सो अब तक 13, 9, 16, और अब हमें देखना है कि लड़के में कितना. सलमान, यू कैन डू इट. नहीं, बस दो ली, दो ली, वापस दो. अब तुम्हारी दो के लिए भाई, तुम्हारी भी तो दो हो गई थी. दो नहीं हुए, एक ही. सर आप गिने, सर आप गिने कितनी है? एक, दो. सर आप उसका एक, दो, सेवन है, एट, एट, एट. मैंने गिन लिया, एट है, एट है. ओ एक आंसर. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. हम नाइन पे. अरे दूसरे नाइन, 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 सर नाइन. नो बैल, आप लोगों का पहले भी नाइन था. हाँ, जला जला हम जीतेंगे. नो, ये अपना रिकॉर्ड खुद नहीं तोड़ना चाहते. मिस्टर डी खुद ही कह रहे. नो, सो थ्री, टू, वन, वन, कम ऑन. एक बात और बताऊं, आपको जलाने में तकलीफ हो रही थी, हमने इसलिए कम बुझा. क्या बात, आप बहुत केयरिंग है, आप केयरिंग ही बहुत. आप मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेते? थ्री, टू, वन, समरा, कम ऑन. आप रेडी है सर? थ्री, सर टू, सर वन. अब आपके हाथ में है आपकी टीम की जीत. देखते हैं सर, आपने कितने किए? आठ. आठ किए, आप लोगों से भी कम. 13 और 16. 39 हो गए. Good. MC, come on. Poco. Yeah, not bad, not bad, not bad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barabar. 8. Tie kar diya aap dono ne to yaar. Aa gaya score. 40 and 60. Ye mujhe nahi pata kaise. राउंड का कैमरा देख रहा है. राउंड का, राउंड का, राउंड का कैमरा देख रहा है. सो बेसिकली इस राउंड का फाइनल स्कोर जो है वो आप लोग 40 ले पाए और आप लोग 60. सर क्या बात है सर, मैंने आपका साथ दिया ना. वेल प्लेड, वेल प्लेड. मिस्टर डी, अब आपकी बारी है. हैं आपकी बारी, आपके लिए ये चिरागा, आपके लिए किया है. आपकी तो फूक देखे, आपकी फूक निकलती है. ये चिरागा आपके लिए. इससे मिस्टर डी, नो मिस्टर डी, कम ऑन मिस्टर डी. 3, 2. हमसे कोई नहीं जीत सकता. सही है यार, हाइट के हिसाब से सही है. चले दो तो नहीं बुझी ना, हमसे नहीं जीत सकते आप. नहीं नहीं, अब आपकी फूक चेक होगी. सर मेरी निकल गई है सर. आओ, आप तो खुश होंगे. चले मुझे मैं कर ले. नहीं छोड़ोगे? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा, देखें क्योंकि उन्होंने कहा था वो डीप होगी ना, मोमबत्तियां आपने बुझेंगी ना. हां, तो मैं एहतरामन नहीं के बुझाना चाहूंगा. मुझे क्यों फंसवाया? कैसे बच गए? आपकी कितनी थी? आपका और मेरा मुकाबला ना. 5. आपकी 4 थी. 5. 4 4 5 थी. चलो मुझे 6 करनी है ना. हां ओके, छक्का मारना आप. आपकी लगता है ज्यादा है. कम ऑन, 3 2 1 तो कहें ना मिस्टर डी का मौसम. 3 2 1. 3 6 7. मुझे एक ही थी, ये इतनी लंबी एक ही थी. 7 7. सर्दी लग गई थी आपको. आपसे जीत गया मैं. जी 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 जी. और वापस आ गए वो तो फोन में हमारे साथ जुड़े रहेगा. टीवी 1 पर देखते रहेंगे वो तो.
और सबसे पहले एक सवाल का सही जवाब देगा और वो तय करेगा कि बेसिकली ये टॉस होने वाला है, ठीक है? वो तय करेगा कि किस टीम से हम। इसमें फायदा कि आपकी बात ये है कि इसमें जिस्म हेल्दी नहीं माइंड हेल्दी होना चाहिए। एग्जैक्टली, यस। आपका जहनी जो है वो टेस्ट होने वाला है। सो कौन आएगा आप में से? सर आप आएंगी प्लीज, आप में से कौन आएगा? आप आएंगी। ओके परफेक्ट। सो अच्छा मोहसिन भाई, ये ना बिल्कुल टच करने से बच जाता है। हमारे प्रोडक्शन में एक ही है, बजट नहीं है हमारे पास, ये इसकी सैलरी से कटेगा। ये हम दे देंगे ना, हल्का हाथ रखिएगा। ओके सो चेक कर लें एक बार आप। लाइट नहीं ऑन हो रही। कोई बात नहीं, इसकी बिजली गई भी है, कोई बात नहीं, इसका बिल नहीं भरा था कार्ड दी, हम उनका देंगे। एग्जैक्टली यस। तो जरा जान से बचा लीजिएगा। ओके सो पहला सवाल है, पतले लोगों को डैश आसानी से मिल जाती है? लिफ्ट, बाइक पे इनको ये डरा रही। आप यही रहेंगी? आप यही रहने वाली है? आप यहाँ के कमरा बना दें। सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर वही नहीं, सर वही वही बस सर, इजी सर। ओके सो आप लोगों ने मुकाबला जीता पहले सवाल का सही जवाब देकर। अब अगले सवाल जितने भी होंगे, अगर एक भी गलत जवाब हुआ तो मैं वो सवाल लेकर दूसरी टीम के पास चला जाऊंगा। आर यू रेडी? सो यस। ओके सो मोटे लोग ज्यादा डैश नहीं कर सकते? एक्सरसाइज। जवाब दुरुस्त बच्चों। पतले लोगों की डैश बहुत मुश्किल से बनती है। लोगों की पतले लोगों की डैश बहुत मुश्किल से बनती है। चुप चुप। फाइव फोर थ्री टू वन। खामोश खामोश खामोश। माइनस टेन करवा लोगे? यस मैम। आपको क्या लगता है पतले लोगों की डैश बहुत मुश्किल से बनती है? बॉडी। बॉडी एग्जैक्टली। अरे जलते हो हमसे यार, बजाया करो यार। शौहर मोटा हो तो बीवी को डैश पर मुनासिब जगह नहीं मिलती? नहीं नहीं, पलंग पे जगह मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सर आपको सिर्फ खाली जगह पूरी करनी है, अपना किस्सा नहीं सुनाना मुझे। मोटिवेशन स्पीच नहीं देनी। मैं ये कहता हूँ पलंग 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 इज द राइट आंसर। पतले लोगों की परफॉर्मेंस डैश में अच्छी होती है? पतले सोच के आराम से आराम से। पतले लोगों की परफॉर्मेंस डैश में बहुत अच्छी होती है। मॉडलिंग वगैरह करते हैं ड्रेसिंग के बाद। गलत जवाब। यस सर आपको क्या लगता है पतले लोगों की चुप चुप पतले लोगों की परफॉर्मेंस डैश में बहुत अच्छी होती है? भागने में। एक और लफ्ज होता है इसके लिए। रनिंग वॉकिंग। ओके वॉकिंग रेस सर। स्पोर्ट्स। यस मोटे जितना भी डैश रगड़ लें पतले नहीं होते। मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें पतले नहीं होते। ओए वो नहीं है यार, बुरी बात यार। मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें पतले नहीं होते। जान 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 जान, जान। बाय जान। बाय जान। खाला जान मतलब खाला जान। खाला जान। खाला जान। खाला जान। खाला जान। खाला जान। यस आपको क्या लगता है क्या क्वेश्चन बताएगा? मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें पतले नहीं होते। नाक। व्हाट थैंक यू। मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें पतले नहीं होते।
इसलिए क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के जो है मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें, डैश की जगह पे आपको लफ देना है मुझे, डैश की जगह पे, यानी कि वजन जब हमारा बड़ा हुआ है तो कैसे जितनी भी आप चुप कर दें, चुप कर दें, मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें, खाली जगह पूर करने आता था ना बचपन में आपको, सिर्फ उस खाली जगह पे एक लफ्ज है मिसिंग है वो आपको देना है, मोटे जितनी भी डैश रगड़ लें पतले नहीं होते। क्या मतलब कहीं बैठना होता है या भागना होता है या सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, टाइमर एड़ियां रगड़ते हैं या क्या? हाँ एड़ियां, एड़ियां, अरे एड़ियां रगड़ते हैं, हाजिर नहीं है, पतले लोगों की डैश भी पतली होती है, कमर होती तो है लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है, कहाँ थे हम, यहाँ थे, पतले लोगों की डैश भी पतली होती है, देखो गौर करो अपने ऊपर जरा, नहीं बोलो टांगे टांगे बचा लिया हमारा लड़के ने, हमारा शो बचा लिया, मैं डर गया था मैं भी नहीं लेकिन उसकी नजर नहीं जा रही थी ना वहां पे, लेकिन जिस तरह से देखा ना लड़कियां मोटे लोगों से डैश नहीं करती, शादी नहीं करती, पतले लोगों में डैश की कमी होती है, खून की, हाँ वो भी होती है लेकिन इसमें यहाँ पे जो लिखा है हमें तो वो मानता है, वजन बढ़ा हुआ है, या पतले लोगों में डैश की कमी होती है, खाने पीने की कमी होती है, सर ये मेरी टर्न थी, पतले लोगों में डैश की कमी होती है, वेट की, मेरी टर्न, पतले लोगों में डैश की कमी होती है, वजन, विटामिन, बस बस हो गया हो गया, पतले लोगों में डैश की कमी होती है, मांस, करीब है, करीब है, गोश्त करीब है, गोश्त, और नहीं आप दोबारा नहीं कह सकते आप, बट फैट, जल्दी मुझे फैट, यस फैट, यस फैटी एसिड, सही बात, जो हेल्दी हेल्दी फैट्स भी होते हैं वो भी, और मैं कहूँ खाला, ओहो खाला 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 के क्या कहने, मोटी लड़कियों को देखकर लोग सोचते हैं कि डैश नहीं करती होंगी, ये नहीं। उनको पतली लड़कियों का मजा पहले आ गया, क्या उनका दिल नहीं होता, किनका, उनकी फीलिंग नहीं होती, किनकी, छोड़े अब अब कौन लाए, ये अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहे हैं, ये अलग अलग जोन में, अच्छा आपको सिर्फ खाली जगह में मुझे एक लफ्ज देना है, जी जी अपनी, जी जी मोटी लड़कियों को देखकर लोगों को लगता है कि ये डैश नहीं करती होंगी, बहुत कुछ करते, वर्जिश करती हैं, भागती दौड़ती है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मोटी लड़की को जब लोग देखते हैं ना तो उनको लगता है कि ये डैश नहीं करती होगी, वो डैश में क्या है, क्या नहीं करती, डैश में क्या यार, वो उनका सूट बड़ा फिट रहती है, और आप लोग अपनी बस चुप 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 चुप, हम रिप्लाई, मोटी लड़कियों को देख कर लोग समझते हैं कि ये डैश नहीं करती, आप बताएंगे, बहुत इजी, बहुत बेसिक, डाइट नहीं करती होंगी, ओह कम ऑन, बहुत बेसिक सवाल था, डाइट करती है, मोटी लड़कियां डाइटिंग नहीं करती, चलो सुस्ती कायल होती है, वो तो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, आप बताएं, आप बताएं, मोटी लड़कियां काम ज्यादा नहीं करती, माइनस 10 कर दो यार इनके, नहीं मैंने नहीं बोला कुछ, कर दो कर दो, ओके चलिए आप बताएंगे कि मोटी लड़कियों को जब लोग देखते हैं ना तो वो सोचते हैं कि ये डैश नहीं करती होंगी, काम नहीं करती होंगी, काम नहीं करती होंगी, इट्स एज सिंपल एज दैट, बहुत शार्पली सोचे, बहुत बेसिक सोचे, अवामी सवाल है, अवामी, कोई फलसफा नहीं है इसमें, पतले और मोटे लोगों को उनके मतलब का डैश नहीं मिलता, जब वो शॉपिंग पे जाते हैं ना, पतले और मोटे लोग साइज नहीं मिलता, यस मोटे लोग आराम से मिसाल देके वाजे करें, मुझे देखे, मुझे देखे। जब लेट जाते हैं तो उनके लिए डैश करना मुश्किल हो जाता है, वापस उठना, यस एग्जैक्टली, अबे वाशरूम में जा सकते मोटे लोग डैश होते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है, कोई इस पे नहीं लड़ाना, आराम से, मोटे लोग डैश होते हैं, मोटे लोग मोटे होते हैं, मोटे लोग एक और लफ्ज़ सोच के रखो, आ रहा हूं मैं, हम थे, यस मोटे लोग सुस्त काहिल, अब ठीक है, ठीक है, बस एक करीब करीब है सब, मोटे लोग ठीक है, सही है, होते हैं, लेकिन हाँ क्यूट होते हैं, इनोसेंट,
ये किसने कहा? होते चार नहीं होते चार मोटे लोग डैश होते हैं, हैवी होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं, एग्जैक्टली यस, मोटा होगा तो भारी होगा उठाने में, एग्जैक्टली हमें देख देख के बोलते हो। पतले लोगों को देखकर अक्सर लोग उनको डैश समझते हैं, किसी को भी कोई पत्ता देखते हैं ना तो लगता है कि यार ये डैश तो नहीं है। खाना नहीं खाते यार मतलब क्यों? यस सर, आपको क्या लगता है कि पतले लोगों को देखकर अक्सर लोग उनको डैश समझते हैं? भाई मोटे नहीं होते, कमजोर रहते हैं यार, ये अलग चैलेंज होगा, एनर्जी नहीं होती उनके अंदर। डॉक्टर अक्सर दुबले लोगों का डैश देने से इनकार कर देते हैं। क्या वेट वजन वजन मजा आ रहा है, मजा ही लेने आए, अंकल कह रहे मजा आ रहा है। ओके डॉक्टर अक्सर दुबले लोगों का डैश लेने से इनकार कर देते, ब्लड ब्लड लेने से, गंदा से गंदा। मोटे लोग डैश देखते ही फौरन एक्साइटेड हो जाते हैं। जंक फूड, जंक फूड, यस 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 यस, राइट आंसर। दुबले लोगों के साथ कोई भी डैश कर सकता है, दुबला देखा नहीं और उसके साथ डैश कर दिया, फ्लर्ट। अरे हमारी खाला क्या चल रही है? खाला क्या चल रही है? खाला का क्या सीन है? मौसी भाई खाला क्या सीन है? अरे निकाह कर ले, खाला कह रही है दादी लाइक वही, यानी नेक्स्ट जनरेशन में चल रही है खाला, है ना? हां कि दुबला देखा नहीं और फ्लर्ट कर दिया खाला, फ्लर्ट। बच्चों आप घर जाओ मेरे बच्चों। हां मेरी बारी है, आपकी बारी है, मैं बताऊंगा। दुबले लोगों के साथ कोई भी डैश कर सकता है, मजाक नहीं, करीब करीब है, करीब करीब है सर। दुबले लोगों के साथ कोई भी डैश कर सकता है क्या? लड़ाई ज्यादा कमजोर है, मारो इसको। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बदमाशी झगड़ा क्या? कोई भी इंसान कभी भी अपनी डैश में नहीं बैठ सकता, अपनी जगह के अलावा नहीं बैठ सकता। क्या कोई भी इंसान अपनी, गौर से सुनने का, गौर से सुनने का, कोई भी इंसान कभी भी अपनी डैश में नहीं बैठ सकता। इधर इधर गंदा है, गंदा आ रहा है मेरे ध्यान में। तो फाइव फोर थ्री जो आ रहे यस सर, गोद में नहीं बैठ सकता। अच्छा तुम क्या सोच रहे थे, इधर बताओ। हम तुम्हें गोद नहीं लेने वाले, कैसे बैठ सकते? एग्जैक्टली यही तो सवाल था, कोई भी इंसान अपनी डैश में नहीं बैठ सकता। ओके दुबले लोगों की डैश कम होती है, आप लोगों की टीम क्यों नहीं इससे निकल रही? हम कहां थे? हम यहां थे। दुबले लोगों की डैश कम होती है, बहुत बेसिक डिस्कशन हो रही है, बहुत बेसिक सोच, अभी तो हम उसके सवाल नहीं कर रहे। दुबले लोगों की डैश कम होती है, 3 2 1 5 4 3 2 1 You are late। इनकी बारी, इनकी बारी, खाना कम खाते, खाना कम खाते, खुराक कम होती है, एग्जैक्ट। मेरे पास मुश्किल लगी है ना। डैश के वक्त लड़की दुबली हो तो अच्छा माना जाता है, शादी के वक्त, शादी के वक्त बाद में भले कुछ भी हो जाए। मोटे लोग जब डैश हो जाएं तो उनको बहुत मुश्किल होती है, ये बहुत सीरियस सवाल है, बीमार, बीमार होना, एग्जैक्ट, वेरी गुड। आखिरी तीन सवाल है भाई, जिसने उचक लिए सो उचक लिए, तीन सवाल आखिरी। यस मैम, दुबले लोग मोटे लोगों से ज्यादा डैश होते हैं, दुबले लोग मोटे लोगों से ज्यादा डैश होते हैं, फिट होते हैं, वजन बढ़ जाता है, फिट स्मार्ट है, हम थे यहाँ, यस सर, स्मार्ट या पतले, अभी उन्होंने कहा पतले पतले, नहीं वो उन्होंने कह चुके हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमसे ज्यादा
मोटे लोगों का डैश जल्दी कम नहीं होता, वेट कम नहीं होता, वेट कम नहीं होता। ओके, तो आखिरी सवाल है, मुझे क्यों लग रहा है मोटे लड़कों को आसानी से कोई अपनी डैश नहीं देता। बाइक। आपसे ये तवक्को नहीं थी मुझे, आपसे ये तवक्को नहीं थी मुझे। मोटे लड़कों को आसानी से कोई अपनी डैश नहीं। बेटी। बेटी नहीं दे। खाता पीता होगा तो उसको ज्यादा। क्या पता वो सामने वाले बंदे ने भाभी के अब्बा हो ही ना लड़की देनी पड़ेगी इनको। यार तुम लोग अच्छे यार, हमें तो निकाह ही नहीं होगा हमारा तो। नहीं मैं अभी हम तीनों चारों इकट्ठे आ गए। नहीं अपनी सेल्फी में सर, अब तो टेक्निक्स बहुत आ गई है, एप्लीकेशंस बहुत आ गई। वाइड एंगल लगा दे। हां आ जाएं मिस्टर डी सामने, आ जाएं सामने, आ जाएं। अगर मिस्टर डी अब आपको क्या लगता है कौन जीते? ओ भाई वजन तो यही भारी है, तुम हमारी तरफ हो। वजन तो इधर भारी। आप लोगों को क्या लगता है ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक गाइस? That's a sad life. That's a really, really sad life, guys. Okay, so आइए final result देखते हैं what the fun का कि आज मोटे जीते हैं या पतले। Let's see. Let's see. बहुत बड़ी लीड से जीते हैं यार। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी लीड से, क्योंकि इस सेगमेंट से पहले सिर्फ 10 स्कोर का फर्क था। जान भी है, जानत भी है सर। आपने वाकई में सर, आपने तो पूरी कोशिश की थी। वैसे हाँ, इन्होंने जो आखिरी राउंड खेला है आपके बीच में से सबसे अच्छा राउंड इन्होंने खेला है। लास्ट वन, लास्ट। थैंक यू। आपको समझ नहीं आ रही थी सवाल क्या, टीम जो जीती है उसको ट्रॉफी बच्चों से ही दिलवाते हैं। आओ बच्चों सर, क्या बात है, आइए आइए मैम, आइए आप। आइए सर प्लीज। गौरव जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्हाट द फन। देखते रहिए और वापस आएंगे अगले हफ्ते। थैंक यू आप लोग तशरीफ लाए, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए व्हाट द फन।